कांग्रेस पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष शहर अध्यक्षों की बैठक है। संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए इसके ऊपर चर्चा होगी। संगठन का एक विस्तार का निश्चित समय और जो व्यापक स्तर से जो उत्तर प्रदेश लगातार एक भय का माहौल है, अपराध सर चढ़ के बोल रहा है, हत्या लूट डकैती इस प्रदेश की पहचान बन चुकी है, युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी का जंस ढेर रहा है, किसान आत्महत्या करने पर विवश है, महिला सुरक्षा को लेकर ये सरकार गंभीर नहीं है। निश्चित रूप से इन तमाम जो विषय है, मुद्दे हैं, उन पर एक रणनीति बनेगी और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उस रणनीति के साथ उतरेगी और आंदोलनों के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से, संवाद के माध्यम से निश्चित रूप से सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में ले जाकर आम आदमी, गरीब, किसान, वंचित, शोषित नौजवानों के साथ संघर्ष करने का काम करेंगे। प्रणाली लागू कर जिस सरकार की नियत ही साफ न हो, जिस सरकार में अपराधियों का बोलबाला हो, उत्तर प्रदेश हत्या के प्रदेश में तब्दील हो गया है, रोज लूट हत्या डकैती इस प्रदेश की पहचान बनी हुई हो, जब अपराधी ही इस पार्टी में पूरी तरह लगातार इस सरकार के साथ खड़े हो, वो सरकार कोई भी प्रणाली बना ले कानून व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं पा सकती। निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा, वो बार बार सदनों में मंचों पर कहते हैं या तो अपराधी जेल में है नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुका है। मैं पूछना चाहता हूं, रोज की घटनाएं जो अपराधी लगातार बेखौफ अपराध कर रहे हैं, चाहे वो गौरव चंदेल की हत्या हुई है, अब तक नोएडा में उसका खुलासा न हो पाना, कानपुर में, लखनऊ में रोज शिशिर त्रिपाठी की हत्या हुई, अब तक खुलासा न हो पाना, यह क्या दर्शाता है? बनारस जो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, यहाँ भी हत्याओं का दौर चालू है और उस पर पुलिस और सरकार दोनों मौनी बाबा की तरह तमाशा देख रहे हैं। निश्चित रूप से ये सरकार कोई प्रणाली बना ले, जब इस सरकार की नियत ही अपराध पर नियंत्रण करना नहीं, तो निश्चित रूप से अपराध पर नियंत्रण ये सरकार नहीं कर सकती। 3 साल पहले यही नारा दिया था, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। जनता ने देख तो लिया क्या हालात बनाया इस उत्तर प्रदेश का। उम्बा कांड के जो हुआ था उसमें बताया, योगी सरकार ने बताया कि कांग्रेस का पाप है, लेकिन कुछ दिन पहले एक राजस्व सचिव हैं झड़ुका कुमारी, उनके रिपोर्ट में उजागर हुआ है कि अभी कुछ सरकारी आदमी और कर्मचारी मिलकर जमीन हड़पने का काम करें, इसके क्या कहेंगे आप? उम्बा की घटना बेहद दर्दनाक थी, हृदय विदारक थी और सबने उसको देखा भी, और आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो हमारी नेता है वहां मौके पर गई, तब जाकर सच सामने आया किस तरह हेरा फेरी जमीन का किया गया था। जो लोग वहां रहते थे सैकड़ों साल से, उन लोगों का जो मालिकाना हक था उसको हटाकर उन तमाम अपराधी, उन तमाम भू माफियाओं को जमीन देने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया था। मुझे ज्ञात हुआ है कि राजस्व के लगभग 6 गांव के रिकॉर्ड भी गायब कर दिए गए हैं। आखिर ये सरकार किसको बचाना चाहती है? वह लोग जिस जमीन के लिए लड़ रहे थे उनको दूसरे जगहों पर जमीन का पट्टा दिया जा रहा है। आखिर ये सरकार जिसका मालिकाना हक है उस पर उनका हक देने का काम क्यों नहीं कर रही है? निश्चित रूप से सरकार की कलाई खुल चुकी है। आपको याद होगा वहां के लोगों का आरोप था कि बहुत ये 2017 की घटना 17 की घटना थी और ये जो 2019 में घटित हुई थी, 2019 में ही उस समय के जिला अधिकारी और एडीएम प्रशासन द्वारा कागजों में हेर फेर कर इन जो लोग सैकड़ों साल से रहते उनका नाम काट कर भू माफियाओं का नाम दर्ज करने का काम किया गया था। किसकी सरकार थी? इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सरकार लगातार अपने बचने के लिए वो किसी न किसी दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ने का प्रयास कर रही है। ये सरकार खुद भू माफियाओं के साथ है और अधिकारी और तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं वह सभी लोग उन तमाम गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। सरकार है कि एनआरसी को लेकर के दिल्ली में बैठक चल रही है, लेकिन मायावती उससे दूरी बनाए रखी हुई है।
बहन जी को इस देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं। बहन जी को आम आदमी की भावनाओं से, छात्रों से, नौजवानों के, महिलाओं की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। वह केवल बयान जारी करना जानती है। उनके बस की और बूते की बात नहीं कि वो विरोध सड़कों पर आकर कर सके, लाठी खा सके, जेल जा सके। सीबीआई और ईडी जो न उनको घुमाए, वो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। निश्चित रूप से उन्होंने देश में बाबा भीमराव के, अंबेडकर के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है। उत्तर प्रदेश की जनता उनको माफ नहीं करेगी।